रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के नेरी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऋषि परंपरा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हमीरपुर जिला के नेरी स्थित ठाकुर जगदेव चंद स्मृति संस्थान में आयोजित की जा रही है। ये कार्यक्रम ठाकुर जगदेव चंद स्मृति संस्थान नेरी हिमाचल कला भाषा एवं संस्कृति अकेडमी शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के नेरी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऋषि परंपरा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हमीरपुर जिला के नेरी स्थित ठाकुर जगदेव चंद स्मृति संस्थान में आयोजित की जा रही है। ये कार्यक्रम ठाकुर जगदेव चंद स्मृति संस्थान नेरी हिमाचल कला भाषा एवं संस्कृति अकेडमी शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्थान की वेबसाइट पुस्तक एवं स्मारिका का विमोचन किया। संगोष्ठी में 100 से अधिक विद्वान व शोधार्थी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए देश के विभिन्न भागों से नेरी में एकत्रित हुए हैं। वर्तमान समय में समाज के समक्ष पेश आ रही समस्याओं का निराकरण ऋषि परंपरा के माध्यम से ही संभव है। ऋषि परंपरा अत्यंत सीमित थी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपोस्थली एवं कर्मस्थली रही है। विद्वानों ने बताया कि ऋषि मुनि की नगरी मनाली ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली मलाना दुर्भाषा ऋषि से संबंधित जुखाला धोमी ऋषि की भूमि ध्यूनसर मंदिर ऋषि सुखदेव की तपोस्थली सुकेत तथा ऋषि व्यास की तपोस्थली बिलासपुर हमारी ऋषि परंपरा की गवाह है। सीएम जयराम ठाकुर कुछ देर पहले ही नई दिल्ली से हमीरपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वायरल पत्र की जांच किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं करवाई गई है, कार्रवाई पत्र को वायरल करने वाले के खिलाफ है। इसमें जो कुछ भी था वे सबके सामने है, पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, जो कुछ भी होगा वे सामने आ जाएगा, मामला संगठन और हाई कमान तक पहुंच गया है। देखिए आखिरकार पिछले कुछ अरसे से ऐसी बातें पूरे प्रदेश भर में चल रही थी, कुछ लोगों ने इस प्रकार का ये जो पत्र लिखना और उसको वायरल करना किसी के खिलाफ भी बेबुनियाद आरोप लगा करके ऐसी परिस्थितियां पैदा करने मानसिक प्रताड़ना भी होती है लोगों को, और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ में सरकार की व्यक्ति की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। हमने हिम्मत के साथ कदम उठाया और जिस तरह से जिस आदमी ने उस सारे मामले को लोकसभा के चुनाव के दौरान चुनाव के बीच में वो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और उसमें मैं ये बात कह रहा हूं किसी नेता का विषय था ही नहीं उसमें, हमने तो एक व्यक्ति जिस आदमी ने सोशल मीडिया में उसको वायरल किया, और आज की परिस्थिति में भी हम यही कह रहे हैं कि हमारी कार्यवाही जो है उस दृष्टि से उस व्यक्ति के खिलाफ है जिस आदमी ने उसमें जो जिसने सोशल मीडिया में उसको वायरल किया, और जब तह तक पहुंचे तो उसमें चीजें आगे निकल रही हैं तो कानून अपनी कार्यवाही करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम ने कहा कि केंद्रीय नेताओं से बात हुई है, वास्तु स्थिति स्पष्ट करवाई गई है, इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वे बहुत सकारात्मक रही है, सभी को हिमाचल के हितों पर हर पहलू से अवगत करवाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र हिमाचल में चल रहे सभी प्रोजेक्टों को पूरा करने में सहयोग देगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी हुई है, सरकार चल रही है, मंत्रिमंडल भी बना हुआ है, मंत्रिमंडल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपेंशन की बात या रिशफल की बातें और संगठन को लेकर के कुछ विषयों पर दिल्ली में जाकर के चर्चा हुई है वरिष्ठ नेताओं के साथ, और वो चर्चा जो है वो बहुत जल्दी परिणाम में देखेंगे आप। सीएम ने महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन और देवेंद्र फर्नांडिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिवसेना व कांग्रेस के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने नियमों को ध्यान में रखकर ही सरकार बनाई है और विपक्ष के सभी आरोप तथ्यहीन हैं। मुझे लगता है कि अब सारी अटकलों पर जो है वो विराम लग गया। पॉपुलर जो जनादेश जिसको बोल सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर है। सबसे बड़े दल के रूप में
भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के पार्टनर के रूप में जब शिवसेना का आना नहीं हो पाया जिस भी वजह से, तो ऐसी परिस्थिति में इसका अभिप्राय ये नहीं लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर किसी के साथ मिलकर के सरकार नहीं बना सकती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं समझता हूँ कि वहाँ के राज्यपाल महोदय जी ने वहाँ पर जनादेश का सम्मान किया है, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के नाते, पॉपुलर गवर्नमेंट के नाते जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए, फर्नांडिस के लिए, वहाँ पर देवेंद्र फर्नांडिस के लिए था, और वो उसको उनको स्वीकार किया। और गठबंधन में अगर शिवसेना पार्टनर के रूप में होती तो परिस्थिति अलग तरह की होती। अब शिवसेना जब पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं थी तो पार्टनर के रूप में दूसरा दल वहाँ पर जो साथ में आया तो उनका अभिनंदन है। वहाँ पर स्थायी सरकार 5 वर्ष के लिए मजबूत सरकार महाराष्ट्र में बनी है। मैं देवेंद्र फडणवीस को बधाई देता हूँ और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं जगत प्रकाश नड्डा जी को, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल तक जो अटकलें लगी थी उस पर आज पूर्ण विराम लगा है और मुझे लगता है कि हिमाचल के सभी लोगों को इस सारी समाचार मिलने के बावजूद हार्दिक प्रसन्नता हुई है। दिल्ली दौरे से वापस लौटते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के बहुत प्रोजेक्ट लंबित पड़े हुए थे जिनको लेकर दिल्ली में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरा सबसे लंबा दौरा रहा है और इससे प्रदेश को काफी लाभ होगा। सारे प्रोजेक्ट वहाँ केंद्र में लंबित थे जिनको मॉनिटर करने की आवश्यकता थी, जिनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी और बात करने की आवश्यकता थी। मैं लगभग दर्जन नेताओं को केंद्र में जाकर के मिल करके आया हूँ और सरकार बनने के बाद सबसे लंबा प्रवास मेरा ये रहा है दिल्ली में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें जो हमने आगे बढ़ाई है उसमें हमको सफलता हासिल होगी। हल्ले का कोई अभिप्राय नहीं, उनका काम हल्ला करना है वो कर दे रहे हैं। थैंक यू।